एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने शो फिल्मी दुनिया में। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आपसे वादा किया था कि इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि सोशल इश्यूज पर बनने वाली फिल्में जैसे कि ब्लैक फ्राइडे, थैंक्स मा, गुलाल बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाती। और आज इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे शो के एक्सपर्ट रोमेश चतुर्वेदी और डॉक्टर आकांक्षा शुक्ला से, जिन्होंने फिल्मों के क्षेत्र में काफी शोध कार्य किए हैं। जी रोमेश जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज करोड़ों की कमाई कर रही फिल्में जैसे कि क्रिश, दबंग, क्या ये उस लायक है कि ये इतनी करोड़ों की कमाई कर पा रही हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आपके प्रश्न से आशय यह है कि लायक मतलब गुणवत्ता की बात है, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो 15 रुपये के लायक है? तो ये जो प्रश्न है वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है जो हमारा बाजारवाद है या जिस समाज में हम रहते हैं, और वो समाज अपने को जिस तरह रिफ्लेक्ट करता है वही चीज़ें जो हैं वो फिल्में भी हैं। तो ये कह पाना कि वो फिल्में उस लायक हैं या नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमें फिर कुछ पैरामीटर्स तय करने पड़ेंगे कि हम किन पैरामीटर्स पर उनके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि वो फिल्में हैं जो कि पॉपुलर हैं और जो कि अन्य वजहों से, शायद अपने कंटेंट या अपने कथ्य की वजह से उतनी ना हो, लेकिन उसमें और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन फिल्मों को इतना सफल बनाते हैं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हम आकांक्षा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि मनोरंजन करने वाली फिल्में तो काफ़ी होती हैं, पर समाज को आईना दिखाने वाली फिल्में कुछ ही हैं। क्या फिल्मों का काम लोगों का सिर्फ मनोरंजन करना ही रह गया है? देखिए, फिल्में बेसिकली जो शुरुआत है मनोरंजन के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन मुझे ऐसा ये लगता है कि क्योंकि आपका ये बेसिक टॉपिक सोशल इश्यूज़ पे बनने वाली पिक्चरों से कंसर्न्ड है, तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि समाज में जितनी भी पिक्चरें बनती हैं वो समाज का ही कोई प्रतिबिंब या आईना है, समाज से ही निकल के ये पिक्चरें आती हैं। जहाँ तक रही स्टारडम की बात या पॉपुलैरिटी की बात, तो ज़्यादातर वही पिक्चरें हिट होती हैं जो स्टार कास्ट वाली होती हैं। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा भी होता है कि नए लोग आए लेकिन पटकथा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो पिक्चर बहुत चली, लेकिन अदरवाइज स्टारडम और पॉपुलैरिटी और मार्केटिज्म ये ज़्यादातर वो शब्द हैं जो स्टार्स से रिलेटेड हैं। वो इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये मीडियम सिनेमा जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली मनोरंजन के लिए ही है, मनोरंजन कर इसीलिए इस पर लगाया भी जाता है। दूसरी चीज़ ये कि समाज का प्रतिबिंब बनाने वाली ये कुछ पिक्चरें जो तथ्य या सच्चाई से प्रेरित हैं, जो आईना बन के सामने आती हैं और कड़वाहट को प्रकट करती हैं, वो ऐसी पिक्चरें हैं जिसको ज़्यादातर समाज में कुछ ही विशिष्ट वर्ग है जो देखना पसंद करता है। क्योंकि हम ये सोच के सिनेमा जाते हैं कि हम अपनी तनहा ज़िंदगी में या अपनी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से अलग हटके अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए सिनेमा देखते हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर इसीलिए कमर्शियल सिनेमा हिट है और आर्टिस्टिक या अलग तरीके की पिक्चरें उतनी नहीं चलती। जैसे हम नेशनल अवॉर्डेड फिल्मों की बात करें जो कि सोशल इश्यूज पर आधारित होती हैं, तो शाहिद का नाम काफ़ी उसमें आता है, तो शाहिद जैसी नेशनल अवॉर्डेड फिल्म लोगों के बीच में भी अपनी जगह नहीं बना पाती है, क्या वजह हो सकता है इसके पीछे? शाहिद जैसी फिल्में और हंसल मेहता जैसा फिल्मकार जो कि उसके निर्देशक हैं, वो लोग प्रतिबद्ध लोग हैं। शायद वो फिल्में आपकी प्रतिबद्धता की मांग करती हैं, क्योंकि जो बाज़ार है और जो बाज़ार का पूरा गणित है फिल्म के संबंध में, वो सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हमें कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। कला के ऐसे बहुत से माध्यम हैं जो शायद सिनेमा जैसे महंगे नहीं हैं, जैसे अगर आप पेंटिंग में काम करते हैं या आप म्यूज़िक पे काम करते हैं, तो शायद वो माध्यम जो है वो उस तरह से पैसे की डिमांड नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आपको बहुत अच्छा खासा पैसा निवेश करना पड़ता है, और जो पैसा निवेश करता है वो ये देखना चाहता है कि ये पैसा वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो व्यवसाय का गणित है, इसकी वजह से भी सिनेमा पर इस तरह का दबाव है कि हम शाहिद जैसी फिल्में हमारे लिए अपवाद स्वरूप आती हैं, जबकि होना ये चाहिए कि शाहिद जैसी फिल्में हमें लगातार मिलनी चाहिए, लेकिन ये बाज़ार का दबाव है जो इस तरह की फिल्मों को
बनने से रोकता है। अब वो आपकी प्रतिबद्धता है, अगर आप उसके लिए इतने कमिटेड हैं तो आप उस तरह के समय और विषय वस्तु को उठाते हैं और उस पर फिल्म बनाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे इस पूरे बहस से ये लग रहा है कि फिल्म का जो जो प्राथमिक रोल है फिल्म का, वो सामाजिक जो हमारी जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए या इशू बेस्ड चीज़ों पर काम करने के लिए है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके नाम पे जो भी बन रहा है वो ठीक है या गलत है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सिनेमा का जो पहला काम है वो लोगों को जागरूक करना या एजुकेट करना है, ऐसा नहीं है। सिनेमा जो है वो एक कला है, जिस तरह हम पेंटिंग में, जिस तरह हम पोएट्री में किसी तरीके का डिमांड नहीं कर सकते, ठीक। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, आप अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो इसमें कोई सोशल इशू होना ही चाहिए। वो एक कला है, वो एक अभिव्यक्ति है। उसी तरह सिनेमा भी एक एक्सप्रेशन है एक आर्टिस्ट का, वो अपनी कला को आपके सामने रखता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें सामाजिक प्रतिबद्धता हो, ठीक। लेकिन चूँकि उस माध्यम का इतना प्रभाव है कि हम समाज के स्तर पे ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएं जिसका एक सकारात्मक पक्ष हो, प्रभाव हो, और अगर सकारात्मक न हो कम से कम तो उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो समाज पर न पड़े। देखिए रोमेश जी, आपकी जितनी भी चर्चा रही वो इस पे आधारित है कि सिनेमा सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, और मैं इस विचार से आपसे थोड़ा मतलब टकराव है मेरा, क्योंकि मेरा विचार ये है कि सिनेमा ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए सबसे पहला इशू है कि सिनेमा एंटरटेनमेंट का एक माध्यम है, ऐसी कोई सिनेमा नहीं बन सकती जिसमें आप खुद कोई मैसेज निहित ना हो, क्योंकि जब आप कोई यहाँ तक कि चित्र भी सामने रखते हैं तो भी स्वयं में वो एक किसी इंटेंशन या किसी विचार को व्यक्त करता है। तो सिनेमा जैसे माध्यम में जब आप पूरी 10 मिनट की या 5 मिनट की या इवन 2 मिनट की कोई पिक्चर बनाते हैं, तो मैं इस विचार से ये थोड़ा सा टकराव है। आपने जो अभी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक चित्रकला है तो वो किसी भी तरीके का कला में खुद एक तरीके का मैसेज निहित है, मुझको ऐसा लगता है। मैं ये कहना चाह रहा था सिर्फ कि हम ये भूल गए हैं, लगभग पूरी तौर से ये भूल गए हैं कि सिनेमा जो है जब स्टार्ट हुआ था तो वो कला के रूप में हुआ था, ठीक। जैसे फोटोग्राफी एक कला है, जैसे चित्रकारी एक कला है, जैसे कि संगीत कला हो सकती है, नृत्य कला हो सकता है, उसी तरह सिनेमा का जो फंडामेंटल बेस है वो कला है। तो कला का सबसे बड़ा जो संबंध है वो अभिव्यक्ति से है। अब अभिव्यक्ति की, उस अभिव्यक्ति का आधार क्या होगा ये समाज तय करता है, ठीक। जिस तरह की कला है और जिस तरह का समाज है, उसकी सीमा, उसके रूल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें समाज से निकल कर आती हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति पर जो लिमिटेशन है या जो रोक है वो समाज की तरफ से आता है। उस पर अभिव्यक्ति पर जो रोक आता है वो लैंड कॉन्स्टिट्यूशन से भी आता है। लेकिन क्या कला बिना किसी आधार के हो सकती है? नहीं, वो आधार सामाजिक समस्या ही, ये कोई ज़रूरी नहीं समस्या ना। जैसे कि अगर हम पेंटिंग एक देख रहे हैं और उस पेंटिंग में बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है जी, ठीक, तो उसके कोई सामाजिक आधार नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वो कला है। रोमेश जी, खूबसूरत लैंडस्केप, जहाँ आपने ये शब्द का प्रयोग किया तो मेरा तात्पर्य ये है कि उसका अपना आधार ही सौंदर्य से है। तो कोई ना कोई विषय वस्तु किसी न किसी कला का बेस ज़रूर होती है। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसका आधार जो है, उसका जो आधार पटल होगा वो सौंदर्य भी हो सकता है। उस सौंदर्य की अभिव्यक्ति किस सीमा तक होगी ये समाज तय करता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो समाज है वो ये बताएगा कि इस सौंदर्य या उस प्रस्तुतिकरण का लिमिटेशन या उसकी सीमा क्या हो सकती है। अगर हम वुमेन और सिनेमा की बात करें तो वुमेन का रोल सिनेमा में काफ़ी अहम रहा है, लेकिन अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट और सिनेमा की बात करें तो कहाँ तक ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? मुझे ये लगता है कि सोसाइटी से ही निकल के सिनेमा का जन्म हुआ, और सिनेमा एक तरीके का प्रतिबिंब है सोसाइटी का। तो वुमेन का रोल, जिसको कहते हैं आइडियलाइज करना, वो काफ़ी हद तक स्मृति पटल पे इंकित हो जाता है। जो लोग देखते हैं सिनेमा को, जो उससे वशीभूत होकर उसी तरह से कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ये कहना कि नेगेटिव या किसी कमोडिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ वुमेन को चलाना, वो भी एक 1970s में और 80s में इस तरीके का एक
ट्रेंड था सिनेमा में कि सिर्फ गाना गाने के लिए और रोमांटिक सिनेमा के लिए विमेन या नारी का प्रयोग हुआ। बाद में विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ भी सामने आए, मातृभूमि है और मृत्युदंड और कई पिक्चरें ऐसी हुई जो कमर्शियल लेवल पे भी बनी जिसमें विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ आई। और मुझे ऐसा लगता है कि समाज में इस तरीके की पिक्चरें जब भी आती हैं तो कहीं ना कहीं से बहुत सारी जनरेशन होती है जो प्रभावित होती है और ये अपना एक मार्क छोड़ जाती हैं। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें 100 करोड़ की फिल्मों की तो लगभग अब तक से 28 फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने 100 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ा है, पर दुख की बात तो ये है कि इनमें से एक भी फिल्में सोशल इश्यूज पर आधारित नहीं थी। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? जो भी ये जो सो कॉल्ड 100 करोड़ क्लब चल रहा है, ये बाजार का अपना गणित है। तो अगर हम इसमें फंस गए कि हमारी वो फिल्में जिनको हम कलात्मक मानते हैं या जिनको हम उत्कृष्ट मानते हैं वो भी 100 करोड़ का बिजनेस करें, अगर हम इस बहस में फंस गए तो मुझे लगता है कि सिनेमा को काफ़ी नुकसान हो जाएगा इससे। और ये पूरी तरह से सही भी नहीं है क्योंकि 3 इडियट्स जो है वो टॉप 3 फिल्मों में शामिल है और उसके पास एक सोशल मैसेज या एक सोशल बेस है, उसी पर वो फिल्म तारे ज़मीन पे उसने भी काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। तो ये हमारे दर्शकों का अपना स्वाद है, उनकी अपनी रुचि है। तो जब तक हम समाज को उस तरह से तैयार नहीं कर पाएंगे तब तक शायद हम उस 100 करोड़ के क्लब में उस सामाजिक या उस तरह की फिल्में या जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि शाहिद जैसी फिल्में शायद 100 करोड़ में नहीं आ रही हैं। और शाहिद जैसी फिल्में 100 करोड़ में नहीं हैं और ये जो 100 करोड़ का क्लब है वो भी बाजार की वजह से ही है। अगर यही इंडस्ट्री किसी अफ्रीकन कंट्री में हो जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख हो तो 100 करोड़ के क्लब वहाँ नहीं बनने वाले। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी गणित जो है वो बाजार से रिलेटेड है और हम इसमें ना फंसें तो ज़्यादा अच्छा है। हम अच्छी फिल्में बनाएं, उसे अच्छे खासे लोग देखें, मेरे ख्याल से ये प्रयास काफ़ी होना चाहिए। असल में रमेश जी, जो आपने बात कही बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समाज ही से इवेंचुअली निकल के ये मार्केटाइजेशन होता है, समाज से ही निकल के हम आगे सारी बातें करते हैं। हमारा समाज शायद अभी तक इतना परिपक्व नहीं है कि वो 8 फिल्मों को उस हिसाब से ले कि उसकी कमर्शियल आउटपुट 100 करोड़ के क्लब जैसी पिक्चरों की हो। किक एक पिक्चर आई है अभी सलमान खान की, उन्होंने इवेंचुअली अगर आप पिक्चर देखें तो पहली बार में उतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगती, लेकिन सोशल मैसेज उसमें भी है। सोशल मैसेज इससे रिलेटेड है कि उन्होंने जो कुछ काम किया या वो डेविल बन के जो अच्छा काम करते थे वो एक बच्चे की मुस्कान के लिए या जो बच्चे नहीं हॉस्पिटल का बिल वगैरह दे सकते हैं उनकी बेहतरी के लिए, तो एक गुड मैसेज या सोशल मैसेज उसमें भी था। लेकिन यही है कि प्रेजेंटेशन और मार्केटाइजेशन वो ज़्यादातर स्टार पावर पे चलता है, ये मुझे ऐसा लगता है। जी, बाजारवाद और सिनेमा कला दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। इस खाई को कैसे कम किया जा सकता है? अभी जो हमारी वार्ता हुई उसमें समाज की परिपक्वता से संबंधित मैंने कुछ कहा। मेरा मानना है कि 200 साल हम ब्रिटिश साम्राज्य में उनके गुलाम रहे, इसके बाद गत पिछले 66 ईयर्स से वी आर फ्री, लेकिन एक फ्री नेशन के साथ साथ एजुकेशन में और हर क्षेत्र में हमने बढ़ोतरी की। इस समय समाज अभी हमारा उतना परिपक्व नहीं हो पाया है कि हम 8 सिनेमा को कमर्शियली वैसे ले पाएँ, लेकिन आने वाले समय में ओनीर की जो पिक्चरें आती हैं विच इज़ रिलेटेड टू सेम सेक्स एंड ऑल, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में हम समाज में कई बदलाव देखेंगे। और मैरी कॉम की कहानी पे बेस्ड अभी नई पिक्चर आई है मर्दानी, जो एक अभी रिलीज़ हुई है, उसको भी अच्छी तरीके से लिया जा रहा है। कई कंट्रोवर्शियल चीज़ों को भी समाज अपनी स्ट्राइड में लेके, असल में एक ट्रांजिशन है जो चल रहा है और सिनेमा उसी ट्रांजिशन में फंसा हुआ है। कहीं हमारा समाज भी परिपक्व हो रहा है, बढ़ रहा है और बदल रहा है और सिनेमा उसको बखूबी कैप्चर कर रहा है। और उसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि सिनेमा को हम कैसे ग्रहण करते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारी उसके बारे में समझ क्या है। तो जैसे एक लिटरेसी होती है उसी तरह विजुअल लिटरेसी होती है। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम जिस देश में रहते हैं
उसमें कई शताब्दियों के लोग रहते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 18वीं शताब्दी में रह रहे हैं, 19वीं शताब्दी में रह रहे हैं। उसी की वजह से अभी हमारे पास लिटरेसी ही पूरी तरीके से नहीं आई है, और विजुअल लिटरेसी उस लिटरेसी से आगे की चीज़ है। तो जब हम अपने समाज को उस बेस पर खड़ा कर लेंगे तो शायद हम फिर कला के उस पक्ष को या उस रूप को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं जिसकी हम चाहत रखते हैं और जो अभी तक हो नहीं पा रहा। आप दोनों के अनुभवों से एक बात तो साफ तौर पे निकल के आई है, फिल्मों को हम समाज का आईना तो कहते हैं पर शक्लें साफ नहीं है। इन्हें हम व्यापारिक तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं पर बात जब सोसाइटी को वापस करने की आती है तो हम न्याय नहीं कर पाते। हमारे फिल्म मेकर्स को अपने सामाजिक दायित्वों को समझना होगा, तभी हम फिल्मों को समाज का आईना कह सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने एक्सपर्ट्स को धन्यवाद करना चाहेंगे। जी धन्यवाद। प्रोजेक्ट शुरू हुआ उस दिन से काफ़ी दिक्कतें मुझे आईं, जैसे कि मुझे काफ़ी स्टैमर करने की प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस की कमी है जो आज निकल के बाहर आए। कॉन्फिडेंस मेरा काफ़ी हाई हुआ है और काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखने के लिए भी मिले कि स्टूडियो में मल्टी कैमरा सेटअप और क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर आप कभी कहीं किसी चैट शो में जा रहे हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए।